जिंदगी बोझ जैसी होती है और ज़्यादातर ये बात सही बैठती है लड़कों पे। देखा जाए तो हम लड़के ही हैं जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि उनको अपनी ज़िंदगी में सफल होना ही पड़ेगा, वो चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उनके आगे उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, उनका आने वाला परिवार, उनके बच्चे। तो कुल मिलाकर एक लड़कों की ज़िंदगी एक श्राप के जैसे है, और सोचा जाए तो वरदान के जैसे भी है, क्योंकि हम लोगों में एक अलग शक्ति होती है दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने की। और कुछ काम ऐसे हैं दुनिया में जो इच्छा शक्ति लड़कों के अंदर होती है, वही इच्छा शक्ति उन काम के लिए चाहिए होती है। लेकिन हम बात करेंगे मानसिक समस्याओं की जो एक लड़का अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में पेश करता है और वो किसी से शेयर नहीं कर पाता। यूँ ही नहीं, उस दुनिया में लड़कों की मात्रा आत्महत्या करने में ज़्यादा है, जबकि आप देखेंगे आसपास आप सबसे ज़्यादा खुश लड़कों को ही देखेंगे। आप देखेंगे लड़के मुस्कुरा रहे होंगे, लड़के अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। और अगले दिन ही आप उस इंसान को मरा हुआ पाएंगे, वो फांसी लगा चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया गया है कि बेटा लड़के रोते नहीं हैं, आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना है, किसी को बताना नहीं है। तो बचपन से उनके मन में ये चीज़ें जो भर दी जाती हैं, यही कारण है कि लड़के मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। भले ही आपको दिखाएंगे नहीं, आपको शो नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल महसूस तक नहीं होने देंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लड़कों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकते, और 50% लोगों से शेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग मेरे बहुत करीबी हैं, और अगर उनको प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो उनको वो चीज़ें सोचेंगे। और कई बार तो हम लोगों के दिमाग में ये थॉट आता है कि हम अपनी बात किसी को अगर शेयर करेंगे तो या तो वो मजाक बनाएगा या तो वो कोई सोल्यूशन नहीं बता पाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप अपने मम्मी पापा से शेयर करेंगे तो कहीं वो हमारी बात को लेकर चिंता ना करने लगे, तो मतलब हमारी बात को लेकर के कोई और परेशान ना हो जाए, इसलिए हम किसी को बातें ही नहीं बताते कि हमारे साथ गुजर क्या रहा है, हमारे साथ वो क्या रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लेकिन हम करें तो करें क्या? बचपन से हम लोगों को यही सिखाया गया है, यही देख के हम पले बड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर लड़का बेरोज़गार है तो वही श्राप है, उस लड़के की ज़िंदगी पर श्राप है, और उन माता पिता को भी लगता है कि ये बंदा मेरे लिए श्राप है। आप एक बात समझ लो कि अगर लड़का घर में खाली बैठा है तो वो इंसान अपने माता पिता के लिए बोझ बन जाता है, भले ही उनके माता पिता उसको दिखाए ना, लेकिन ये वो लड़का खुद फील करता है, ये महसूस करता है कि हाँ यार ये बोझ हो रहा है। लेकिन वो करे तो करे क्या? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी निष्ठा से काम कर रहा है, वो नहीं सफल हो पा रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? क्या उसको हक नहीं है क्या हंसने का? क्या उसको हक नहीं है कि अपनी अपनों के साथ रहकर वो दो पल हंसी को गुजार ले? लेकिन नहीं, वो अपनी खुशियों को त्याग कर दूसरे शहर में काम करने जाता है क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की, हाँ किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने लग गया। अब वो बाहर किसी और शहर में रहकर काम कर रहा है क्योंकि उसे अपने घर में पैसे भेजने हैं ताकि उससे घर चल सके, और घर वाले वहाँ पर आराम से रह रहे हैं, सोचते हैं मेरा बेटा तो मजे में रह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कों की ज़िंदगी जैसी होती है एक श्राप जैसी होती है। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और माता पिता को एंड जिनके बच्चे हैं, जिनका लड़का है, वो लोग ये चीज़ समझें कि लड़के अगर आपको कुछ नहीं बता रहे हैं ना तो उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो उनको अपना फ्रेंडली मैनर बना के रखो, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रखो उनके साथ, ताकि उनके दिन की बात आप जान सको। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आ सकता है आपकी ज़िंदगी में कि आप अपने उस बच्चे की खुशियों को खोदोगे, वो ज़िंदा लाश बन के रहने लगेगा, वो जिएगा को लेकिन वो जी नहीं रहा होगा। और मैं जानता हूँ कि ये बात अगर कोई लड़का सुन जाए तो मेरी बात ही बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा। एंड मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें,
एंड अभी के लिए जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना।